नमस्कार श्रोता बंधुगण, आम चैनल पौराणिक कथार आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज मुं मान आसी आउ एक सुंदर आध्यात्मिक भित्तिक अध्याय जहाँ भगवान शिव शंभु और हाथ में डम्बुरु विषय आधारित परेषण चिन्मय पट्टनायक। श्रोता बंधुगण, कौन आपण मैंने जानते कि कारण भगवान शिव डम्बुरु को निज हाथ में धरी जानवापीडी को मो सहित शेष पर्यंत बिना स्किप कर देखु एवं यही नुआ नुआ पौराणिक कथा जानवापी आम चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब करूँ। चलतु आज भिडटी को स्टार्ट करवा। श्रोता बंधुगण, भगवान शिव को संहारकर्ता कहुए, मात्र भगवान शिवंर नटराज रूप ठीक याठू विपरीत अटे। भगवान शिव जेतेबेले प्रसन्न होंती सेतेबेले से नृत्य करी थांती और से ही समय रे भगवान शिव को हाथ में एक वाद्य जंत्र रही थाए जहाँकु डम्बुरु कह जाए। यार आकार रेत घड़ी परी देखा जाए जहाँ दिन राति समय संतुलन रो प्रतीक अटे। भगवान शिव भी ठीक यही परी अटंती, एक स्वरूप वैरागी पी अन्य एक रूप भोगी पी अटे, जे कि नृत्य करती और परिवार सह मध्ये बंचंती। श्रोता बंधुगण, भगवान शिवंक हाथ में डम्बुरु बसवा कहानीटी बड़ कौतूहलपूर्ण अटे। सृष्टिर आरंभ में जेतेबेले देवी सरस्वती प्रकट हेले सेतेबेले देवी सरस्वती निज वीणार स्वर से सृष्टि ध्वनि को जन्म देले, मात्र यही ध्वनि संगीत भी नथिला। सेतेबेले भगवान शिव शंभु नृत्य कर 14 थर डम्बुरु बजाइथिले एवं यही ध्वनि व्याकरण और संगीतर सुरतालर सृष्टि होता। कहुए कि डम्बुरु ब्रह्मा स्वरूप अटे जहाँ दूर रू विस्तारित तो देखा जाए, किंतु जेतेबेले डम्बुरु भगवान ब्रह्मा पाख को आसे सेतेबेले डम्बुरुटीर ऊपर मुंडटी तलमुंड संकुचित हो जोड़ी हो जाए। श्रोता बंधुगण, सृष्टिर संतुलन पर डम्बुरु को भगवान शिव निज हाथ में नहीं प्रकट होते। यही कारण भगवान शिव निज हाथ में डम्बुरु धरी। आज पौराणिक कहानी टी मुठी रखुची, क्षमा करें श्रोता बंधुगण, अल्प ज्ञान में किसी परेषण कर प्रयास करी किसी भूल थाए तेब क्षमा करे। आदि आपण मानक भल लगे अथवा आपण मान मन को छुए तेब भिडटी को लाइक सेयार आ कमेंट्स कर जनवाक आपण मानक पाखरे मोर अनुरोध रहुची। नमस्कार।